जोहार दोस्तों, कई भाई जो डूंगरपुर उदयपुर के साथी हैं, इनका अरविंद आहरी के विषय में हमारे से पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मैसेज आ रहे हैं और उनका कहना है कि आपकी क्या राय है। दोस्तों, हमारी राय यह है, मेरी व्यक्तिगत राय मैं तो दूंगा। सबसे पहले तो जिन जिन सरपंच संघ के लोगों ने या फिर सरपंचों ने किसने ज्ञापन दिया है वो मुझे डिटेल नहीं पता है और मैंने पता किया भी नहीं है और इस विषय पर मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन भाई अरविंद ने जो भी वीडियो बनाया है मैं उसका 101% समर्थन करता हूं, क्योंकि आजकल एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा कई लोगों के अंदर अपने मन की बातें, अपने मन की व्यथा कही जा सकती है। और अरविंद भाई आहरी ने जो भी वीडियो बनाया है उसको मैंने भी सुना, 11 मिनट का वीडियो है, 11 मिनट से ज्यादा का वीडियो है। उसके अंदर किसी भी सरपंच का नाम नहीं लिया है, ना ही किसी पार्टी का नाम लिया गया है। लेकिन ये बात सत्य है कि आज भी इस पूरे डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इस इलाके के अंदर हम लोग जहां जहां भी घूमते हैं, 80% लोगों के घरों में अभी भी बाथरूम नहीं बने हुए हैं और कई लोगों के इंद्रावास नहीं बने हुए हैं, कईयों की लिस्ट आके भी गायब हो जाती है। इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं और सरकार विशेष करके इनके पीछे जांच कमेटी बिठाए। और ये जो युवा साथी अपनी मांग तो नहीं रखी थी, लेकिन जो कॉमेडी बनाई थी, इस तरीके की कॉमेडी तो कई कवियों ने भी बनाई है, कई लेखकों ने भी लिखा है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करवाई है। लेकिन ये जो पार्टी विशेष के कुछ लोग हैं और व्यक्तिगत रूप से जो सरकार द्वारा ऊपर से पैसा आता है और उस पैसों को दबा करके रखना चाहते हैं, या फिर अरविंद भाई कहते हैं उसी भाषा में वो खा जाते हैं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि थोड़े समय में ही 5 साल के अंदर ही उनके घरों में बोलेरो आके खड़ी हो जाती है, स्कॉर्पियो आके खड़ी हो जाती है, कई बिल्डिंगें बन जाती हैं, कई जगह प्लॉट ले लिए जाते हैं। और इसी तरीके से कई सरपंचों के तो 5 साल के अंदर 2-2, 3-3 बीघा की जमीन अलग अलग गांवों में है, कई सिटियों में जमीनें हैं। इस तरीके की घटनाएं रोज की हो रही हैं। तो अरविंद भाई आहरी ने जो भी वीडियो बनाया है बिल्कुल सही बनाया है और आप सभी युवा साथियों से भी अपील है कि ये जो जो भी अपनी आवाज को दबाना चाहते हैं, जो भी सरपंच ज्ञापन देने गए हैं, इन सरपंचों को भी समय रहते सुधारने के लिए एक बार तो इनको जरूर हरवाएं। ये अपने दम पे, अपने वोटों के दम पे ये हार सकते हैं और जो लूटने का काम है वो थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लूटते हैं तो उसे लूटे हुए पैसों के माध्यम से अरविंद भाई ने जैसे कहा वैसे दारू लेके आते हैं अपने गांवों के अंदर, दारू पिलाते हैं और कई बार तो भाइयों भाइयों में आपसे लड़ाई करवा देते हैं और फिर थानों में जाकर के बिठा देते हैं और युवा साथियों को दबाते हैं कि तू दूसरी बार ऐसा कुछ भी नहीं करेगा इस तरीके से। तो आप सभी युवा साथियों से भी अपील है कि अरविंद भाई ने जो भी बात रखी है उस बात को विशेष करके सुन करके उसके समर्थन में आए और ज्यादा से ज्यादा अगर इस वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आज जो आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आप सभी इन बातों को जानते हो कि सरपंच की महीने की तनख्वाह क्या आती है और वो कम समय में इतना सारा कैसे कर लेता है। एक एक घर में 2-2, 3-3 नौकरियां होती हैं, वो भी इतने समय कम समय में इतना सारा नहीं करता है, लेकिन इसके बावजूद भी सरपंच बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अपने खुद का विकास कर लेता है। इस बात को बिल्कुल अरविंद भाई ने रखा है, उसके लिए मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। और जो भी युवा साथी हैं ऐसे सरपंचों को भी सबक सिखाएं, जो दूसरी बार किसी युवा साथी के ऊपर ऐसे गलत ज्ञापन दे करके उन्हें जेल में डलवाने का काम नहीं करें, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता पे हमें कायम रहना है। और चाहे तो आप मुझे भी मुकदमे में अंदर करो तो करवा लो, तुम्हारी मर्जी, पर जो सत्य है उसके लिए तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम उस विचारधारा को बिलोंग करते हैं जिस विचारधारा के दम पे टंटे मामा था, बिरसा मुंडा थे, भगत सिंह थे, जिन युवा साथियों ने अपने समाज के लिए, अपने हक अधिकार के लिए अपनी बात को उस तरीके से रखा था जिस तरीके से देश की जनता को समझ में आया, तो उसी तरीके से अरविंद भाई ने भी अपनी बात रखी है, उसी तरीके से रखी है। और आज अरविंद भाई की बात को मैं भी फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छी बात बोली अरविंद भाई ने, आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबको धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।